हाय एवरीवन, तो आज मैं आपको लेके आई हूँ मुंबई के बहुत ही फेमस सिद्धि विनायक टेम्पल में, जो कि श्री गणेश का टेम्पल है। श्री सिद्धि विनायक टेम्पल इज वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ मुंबई। ये मुंबई के प्रभादेवी में लोकेटेड है और ये 200 साल पुराना मंदिर है। गणेश आइडल इज ऑल्सो क्वाइट यूनिक एंड अनयूजल एज इट हैज इट्स ट्रंक टू द राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। और मंदिर के अंदर पहुंच के ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहां से आप मंदिर में फूल माला चढ़ाने का सामान और लड्डू या प्रसाद जो भी आपको लेना है वो खरीद सकते हैं। कब होता है भैया मंदिर बंद? भैया मंदिर अभी नहीं बंद होएगा मैडम। कितने बजे बंद होता है? 7 से 7:30 बंद होता है। अच्छा आरती रहता है 7:30 से 8:30। फूल माला प्रसाद ले सकते हो, किलो है हाथ भगवान देगा आपको। और ये बहुत सारे मोदक। जय गणेश जय गणेश चपाकटी चपाकटी जय गणेश। अगर आप मंदिर लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन पे उतर के टैक्सी करके आप मंदिर तक आ सकते हैं, और अगर आप अपनी कार से मंदिर आए हैं तो मंदिर के बाहर वैले पार्किंग अवेलेबल है। मंदिर में सिक्योरिटी चेक करने के बाद अंदर पहुंच के आपको फ्री फुटवेयर रैक्स भी मिलेंगे जहां पे आप अपने फुटवेयर जमा कर सकते हैं। अंदर लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहां पे मैंने ऐसा सुना है कि आप इनकी ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन दर्शन बुक कर सकते हैं, या किसी को किसी तरीके की पूजा करवानी है तो ऑनलाइन पूजा बुकिंग भी उस ऐप पर अवेलेबल है। मंदिर का स्टाफ और मंदिर की सिक्योरिटी, यहाँ की पुलिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है कई बार। तो मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर और मैंने एक एक्सप्रेस वाला टिकट लिया है जिसके 100 रुपीज लगते हैं अगर आपको जल्दी दर्शन करने हो, ये उसकी लाइन है। दूसरी सारी लाइन बहुत ज़्यादा रश है। मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में बहुत बार आ चुकी हूँ और हर बार मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे आके। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पे इतना मज़ा आता है। और कहते हैं इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पे जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। श्री सिद्धिविनायक टेम्पल इज वन ऑफ द richest टेम्पल्स इन इंडिया और ये मंदिर बॉलीवुड वालों के बीच में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पेशल ओकेजन्स में आपको यहाँ पे सेलिब्रिटीज दिख ही जाएंगे। मंदिर के पास यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे पूजा का काफ़ी सारा सामान मिलता है। ये हैं गणेश जी की मूर्तियाँ काफ़ी सारी, और यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान मिल रहा है स्टोर पे भी। ये भी एक शॉप है जहाँ पे इतना सारा मंदिर में डेकोरेशन का सामान। यहाँ पे देखिए बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियाँ मिल रही हैं। सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फड़ाची। जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से और अब हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मंदिर के अंदर ही एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पे जाके अब हम कुछ खाने वाले हैं। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ॐ नमः गणपते नमः।
राजयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी सलके माल गुप्ता फळाची जय देव अब हम कुछ खाने पीने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी पी रही हूँ इस रेस्टोरेंट का खाना इतना टेस्टी है हम जब भी आते हैं यहाँ पे खाते हैं और हम किसी भी बार डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं तो आप लोग भी जब भी मंदिर आए तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना एंड दिस फिल्टर कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ऑसम बस मुझे थोड़ी मीठी लग रही है बिकॉज यूजुअली मुझे शक्कर खाने की आदत नहीं है तो इसमें है शक्कर मुझे बोलना चाहिए था पहले अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव पे बिकॉज आदू को और मुझे सनसेट देखना है सो लेट्स गो देयर जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया So we are on our way to Marine Drive. अभी कितना टाइम लगने वाला है यहाँ से 16 minutes. Let's see. हम लोग सनसेट देख पाते हैं कि नहीं अभी टाइम है 6:17 और मुझे सनसेट तो मुझे देखना ही देखना है मैं स्पेशली उसी के लिए जा रही हूँ और मरीन ड्राइव पे सनसेट देखने का तो मज़ा ही कुछ और है और ये देखो रास्ते में ही आ गया है भाई क्ला जू ये हम लोग मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं और हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं अभी तक सनसेट नहीं हुआ है तो अब हम आराम से अपनी कार पार्क करके आराम से सनसेट देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई के बहुत ही फेमस मरीन ड्राइव पे जो कि साउथ बॉम्बे में लोकेटेड है और यहाँ पे पूरी 24 घंटे ऐसे ही भीड़ होती है शाम को यहाँ पे लोग ऐसे सनसेट के लिए बैठते हैं और सुबह सुबह यहाँ पे लोग रनिंग करने के लिए जॉगिंग करने के लिए एंड योगा एंड एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठे होते हैं मरीन ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड द क्वींस नेकलेस क्योंकि इसकी शेप जो है मरीन ड्राइव की वो एक नेकलेस की तरह बनी हुई है अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा है इसको क्वीन नेकलेस क्यों कहते हैं तो मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस क्यों कहा जाता है ये आप लोग देख लीजिए बिकॉज ऑफ इट्स शेप इसकी शेप जो है बिल्कुल नेकलेस की तरह दिख रही है और इस पे हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है Look at this beautiful sunset. इतना सुंदर सनसेट देखने के बाद अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड इफ यू गाइस हैव लाइक्ड माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल थैंक यू